इस कार्यक्रम के आयोजक हैं 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर नॉर्थ ईदगाह आगरा उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष श्री राजेश जैन गया वाले, महामंत्री श्री अशोक जैन LIC, संयोजक श्री मनोज जैन बाकरीवाल, जयंती संयोजक श्री अजय जैन, श्री अखिल जैन, श्री मुकेश जैन, श्री सोनू जैन, JK जैन, श्री मधुप जैन, श्री अरविंद जैन, श्री विनीत जैन एवं सकल दिगंबर जैन समाज नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी आगरा उत्तर प्रदेश, पुण्यार्चक श्री सुंदरलाल जैन, श्रीमती सुषमा जैन, श्री सुमत चंद जैन, श्री संजीव कुमार जैन थरे वाले। जय जिनेन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य क्रांतिवीर मुनि श्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित प्रथम तीर्थंकर 1008 श्री भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक एवं रथोत्सव के पावन दृश्य। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर आगरा के नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 1 से 3 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के मंगलमय दृश्य। उत्तर प्रदेश प्रांत के ऐतिहासिक नगरी आगरा के नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य संत गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उनके ही परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य क्रांतिवीर मुनि श्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में प्रथम तीर्थंकर 1008 श्री भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक एवं रथोत्सव का आयोजन किया गया। 1 से 3 अप्रैल 2024 तक आयोजित इस कार्यक्रम के प्रथम दिन की शुरुआत जिनेन्द्र भक्तों ने घट यात्रा निकालने के साथ की। घट यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर भक्तों द्वारा पूज्य मुनिश्री का पाद प्रक्षालन किया गया, तो वहीं पूज्य गुरुवर ने मंदिर जी में भगवान आदिनाथ को नमन वंदन किया। अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में ध्वजारोहण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की, तो वहीं फीता खोलकर पांडाल का उद्घाटन भी किया गया। परम पूज्य मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज से संग सानिध्य व्यक्ति रम दीपकम पूज्यामि चाहे स्थापना करो इति सहा औमि अरस्त ताजानि पद्य संसादु जनपद निलागम जी चैत्य चैत्यालय नम देवे को नमः अनर्ग पद प्राप्त अर्घम कृपावामि इति स्वाहा। ओम नमो यंत्रणम स्वस्ति वत्र भवतु सर्व लोकस्य शान्तिर भवतु स्वाहा। ध्वजारोहण के पश्चात परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज को उच्चासन ग्रहण कराने के साथ ही समिति पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। अगली कड़ी में प्रभु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ अर्जित किया।
इस बीच बालिकाओं ने नृत्य की प्रस्तुति देकर वातावरण में भक्ति का रस खोल दिया। कार्यक्रम में अब समय आया परम पूज्य क्रांतिवीर मुनि श्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन का, जिसमें पूज्य गुरुवर ने अणमुकार मंत्र का वाचन करते हुए श्रावक श्राविकाओं को जीवन उपयोगी संदेश दिए। मंगल मंगल नाम है जीने का, नाम है जीने का। मंगल मंगल को मीठा मीठा अपना उपयोग करिएगा, क्योंकि हम अपनी भक्ति को भावनाओं को उनके चरणों में समर्पित इसलिए जो अपनी भावों की निर्मलता को बनाएंगे। प्रवचन के बाद श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर उनका आशीष प्राप्त किया। क्रांतिकारी संत मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज के पावन चरणों में अनंतों बार नमोस्तु कर जल प्रला दिए रही इंद्रम पावती स्वाहा। वहीं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज ने भजन के माध्यम से भक्तों को भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक से पूर्व की क्रियाओं का श्रवण कराया, तो वहीं प्रभु जन्म लीला का श्रवण कर श्रद्धालु प्रभु भक्ति में लीन हो गए। सबसे प्यारी कथा तुम्हारी, सबसे प्यारी कथा तुम्हारी, आदिनाथ न विराए के प्यारी, आपका साथ सबसे प्यारी कथा तुम्हारी, आदिनाथ न बिराए तुम्हारी, सबसे प्यारी कथा तुम्हारी, आदिनाथ न बिराए तुम्हारी। जो चारों तरफ आनंद ही आनंद बरस रहा है, उसी समय नाभिराय ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से पूछा कि हे मंत्रीवर। इस दौरान कार्यक्रम में पधारे आगरा के पूर्व महापौर एवं वर्तमान सांसद श्री नवीन जैन जी ने पूज्य गुरुवर को नमन वंदन कर उपस्थित जनों को संबोधित भी किया। यहाँ आके बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैंने अपने तीर्थंकरों के और जैन धर्म के प्रवचनों के माध्यम से तो काफ़ी सुनने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन भगवान आदिनाथ कथा के रूप में पहली बार उनके जीवन का वर्णन, उनका किस प्रकार से बाल्यकाल से लेके और वह राजा भी रहे, उन्होंने दिशा निर्देश क्या अपने देश को दिए, एक कथा के माध्यम से देने का एक प्रोग्राम जो हो रहा है, ये पहली बार मुझे लगता है कि आगरा में हो रहा है। इससे पहले कभी तीन शंकरों की कथा कभी मुझे समझ में नहीं आई है। हाँ, तो बोल ऑनलाइन ऑक्शन हो रहा है मूर्तियों का, आज ही मुझे पता लगा, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। फिर कैसे हो जाएगा, हमारे आराध्य भगवान आराध्य देव जिनकी हम पूजा करते हैं, आज ये स्थिति होगी कि वो हमारे ऑक्शन होगा उन मूर्तियों का। मैं आज ही अभी यहाँ आया हूँ महाराज जी आपके पास, लेट इसलिए हो गया कि मैंने कहा जब मुझे पता लगा तुरंत ही मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र डिक्टेशन दी अपने टाइपिस्ट को, और मैंने कहा मुझे अभी ये लेटर सेंड करना है प्रधानमंत्री कार्यालय पे, और मैंने मांग करी है उसमें कि ये जो ऑक्शन हो रहा है इसे तत्काल रोका जाना चाहिए, जैन धर्म के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुँच रही है इससे।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में संगीत बद्ध वातावरण में झूमते थिरकते जिनेन्द्र भक्तों ने मंगल दीपों से पूज्य मुनिश्री की आरती कर अपने भाव प्रकट किए। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन अर्थात 2 अप्रैल को सर्वप्रथम विशिष्ट जनों ने परम पूज्य संत गढ़ाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। इस दौरान बालिकाओं ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, तो वहीं गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ अर्जित किया। अगली कड़ी में तीर्थंकर की माता मरु देवी के 16 स्वप्नों को लेकर प्रस्तुत किए गए नाटक ने उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। समापन दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के जन्म कल्याणक के साथ हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर का जन्मोत्सव मनाते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। हाथ में लेकर के जो है बधाइयां प्रारंभ हो जाती है, सारा नगर सारा इंद्र परिवार नृत्य करने लगता है। बाजे ना भी नगर जो जहाँ पर है वहीं पर खड़े होकर के जो है भक्ति करते हुए प्रभु जन में प्रभु जन प्रभु। अब समय था रथ यात्रा का। सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा आयोजित इस भव्य रथ यात्रा में जिनवाड़ी चैनल के CMD श्री नीरज जैन जी, उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, निर्मल मोठिया जी एवं बेनाड़ा परिवार ने बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच प्रभु भक्ति का आनंद लेते हुए श्रद्धालुओं का उत्साह वर्धन भी किया। इसी दौरान छिपी टोला की समस्त जैन समाज द्वारा रथ यात्रा में पधारे प्रभु भक्तों का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट जनों एवं पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता को लेकर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान ऋषभदेव का आज जन्म कल्याण महोत्सव है, उसमें आज हजारों की संख्या में जैन समाज के नर नारी एकत्रित होकर एक भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। ये हमारा वर्षों पुराना परंपरा है आदिनाथ जयंती, जिसे हम मना रहे हैं आज, और सभी जैन लोग इस परंपरा के जुड़े हुए हैं। सभी शैलियां यहां जुड़ी हुई हैं और आप देख रहे हैं कि यहां कितनी रौनक है, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ये भी हमारे एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें
महाराज जी का सानिध्य मिला प्रतीक सागर महाराज जी का। नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी से आज हमने बड़े भव्यतापूर्वक निकाला और समस्त नगर का भ्रमण करते हुए जब ये जयंती वापस नॉर्थ ईदगाह में है हम बड़े रोमांचित हैं और हमें इस बात का गर्व है कि हमने अपनी पहचान को एक नई पहचान दी है भगवान आदिनाथ की जन्म कल्याण को मनाकर के रूप में। रथयात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद पूज्य गुरुवर ने श्रावक श्राविकाओं को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराते हुए आदिनाथ भगवान के जन्म का वृतांत सुनाया। मंगलमय है जीवन जीने का, मंगलमय है आदि प्रभु की। हाथ नीचे नहीं, हाथ ऊपर। आदि प्रभु की कथा सुने जो, आदि प्रभु की। गुरुवर की अमृतवाणी के पश्चात जैन उपासकों ने तीर्थंकर का अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व कल्याण की भावना भाई। ओम ह्रीम श्री वृषभादि वीरांतान जले निष्ण पियामिति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री वृषभादि वीरांतान जले निष्ण पियामिति स्वाहा। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्स्थितंकराय द्वादश प्रणवृष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय। कार्यक्रम के समापन बेला में गुरु भक्तों ने पूज्य मुनिश्री के निमित्त भजन के रूप में वंदना की तो वहीं पूज्य गुरुवर ने भक्तों को पुनः तीर्थंकर के जन्म के प्रसंग का श्रवण कराया। तत्पश्चात जिनेन्द्र भक्तों ने पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। मंगलमय है जीवन उनका, मंगलमय है जीवन उनका। आदि प्रभु की दर्शकों भी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश राज्य के महानगर आगरा की प्रसिद्ध नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित प्रथम तीर्थंकर 1008 श्री भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक एवं रथोत्सव के अनुपम दृश्य। ये कार्यक्रम परम पूज्य संत गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनके ही परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य क्रांतिवीर मुनि श्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 1-3 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों आपने देखा कि जैन उपासकों ने पूजा अर्चना के साथ साथ भगवान आदिनाथ के जन्मोत्सव का भी आनंद लिया तो वहीं पूज्य गुरुवर के मुखार बिंद से प्रभु जन्म के सार को भी समझा। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा, हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। इस कार्यक्रम के आयोजक थे 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर नॉर्थ ईदगाह आगरा उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष श्री राजेश जैन गया वाले, महामंत्री श्री अशोक जैन LIC, संयोजक श्री मनोज जैन बाकरीवाल, जयंती संयोजक श्री अजय जैन, श्री अखिल जैन, श्री मुकेश जैन, श्री सोनू जैन, JK जैन, श्री मधुप जैन, श्री अरविंद जैन, श्री विनीत जैन एवं सकल दिगंबर जैन समाज नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी आगरा उत्तर प्रदेश, पुण्यार्चक श्री सुंदरलाल जैन, श्रीमती सुषमा जैन, श्री सुमत चंद जैन, श्री संजीव कुमार जैन थरे वाली।